गुड मॉर्निंग बेटा, हम चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक था, आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है यहाँ से और आज हम पढ़ने चाह रहे हैं फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लेता, इराक अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लेता। उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन को समझाने बुझाने की लाख कोशिश की जाती है। यूएन सहित बाकी देशों द्वारा सद्दाम हुसैन को समझाया जाता है कि इराक पर अपना कब्जा, इराक को समझाया जाता है कि इराक कुवैत पर अपना कब्जा छोड़ दे, पर सद्दाम हुसैन किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ पर यूएन यूनाइटेड नेशन इराक पर बल प्रयोग की धमकी देते हैं। ये पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा था कि वो यूनाइटेड नेशन जब पूरे कोल्ड वॉर पीरियड में जितने भी प्रॉक्सी वार हो रहे थे वहां पर चुप्पी साधे रहा, वही यूएन जो है इराक के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी दे रहा था। तो इसी को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने क्या नाम दिया, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, रैपिडली ऑक्युपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट। आफ्टर द सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन, यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स फॉर द यूएन। दिस वॉज द ड्रामेटिक डिसीजन आफ्टर ईयर्स ऑफ डेड लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। The US President George H.W. Bush hailed the emergence of a new world order. A massive coalition force of 660,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated it in what came to be known as First Gulf War. इराक को काफी समझाया बुझाया गया कि इराक को वेट प्रोग्राम कब्जा छोड़ दे, पर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन नहीं माने। तो यहाँ पर इराक के ऊपर बल प्रयोग की धमकी दी गई और 34 देशों की ही मिली जुली सेना तैयार हुई जिसमें 6,60,000 सैनिक थे और 34 देशों की मिली जुली सेना ने इराक पर आक्रमण किया, इराक पर धावा बोला और कुछ ही दिनों के बाद जो है इराक हार गया इसमें और इसी को हम फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं। However, the UN operations, which was called Operation Desert Storm, which overwhelmingly American General Norman Schwarzkopf led the UN coalitions, and nearly 75% of the coalition forces were from the US. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया यूएन द्वारा। यूएन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया। कहने को ये 34 देशों की मिली जुली सेना थी, अगर हम देखते हैं तो इस सेना में 75% इस जो फोर्स थी इस सेना की वो यूएस की थी और यूएस के आर्म्स थे, यूएस के हथियार थे यहाँ पर। और इस ऑपरेशन के जो जनरल थे वो अमेरिकन जनरल थे, नॉर्मन स्वार्जकॉफ। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इराक के खिलाफ 34 देशों की मिली जुली सेना अटैक कर रही है तो यहाँ पर 75% यूएस की फोर्स ये शो कर रही है कि यूएस का पावर कितना है, मिलिट्री पावर उसका कितना ज़्यादा है, कितना डोमिनेंस उसका ज़्यादा है। सद्दाम हुसैन नहीं डरे और इस युद्ध को वो कह रहे थे द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, यानी कि सारे जंगों में से ये मदर साबित होगी। पर कुछ ही दिनों में इराक हार गया और कुवैत को मुक्त करवाना पड़ा। यूएन ऑपरेशन विच वॉज कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वॉज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन एंड अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्वार्जकॉफ लेड द यूएन कोलिशंस एंड नियरली 75% ऑफ द कोलिशन फोर्सेज वेयर फ्रॉम द यूएस, ऑल्दो द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज प्रोमिस्ड द मदर ऑफ ऑल बैटल, द इराकी फोर्सेज वेयर क्विकली डिफिटेड एंड फोर्स टू विदड्रॉ फ्रॉम कुवैत। The first Gulf War revealed the vast technological gap that had opened up between the US military capability and that of the other state. US पहले Gulf War में बिल्कुल साबित हो चुका था कि military power को लेकर कितना gap है US के बीच में और बाकी countries के बीच में। तो first Gulf War ही हमें military power, अमेरिका की military power को
अच्छी तरह से साबित कर देता है कि उसके पास कितना मिलिट्री पावर है। द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ द कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स बाय द यूएस लेट सम ऑब्जर्वर्स टू कॉल दिस अ कंप्यूटर वॉर। अमेरिका ने इस युद्ध में अपने स्मार्ट बॉम्ब्स का प्रयोग किया था, अपने स्मार्ट बॉम्ब का प्रयोग किया था और इस युद्ध को कंप्यूटर वॉर का भी नाम दिया गया, कंप्यूटर युद्ध का भी नाम दिया गया। द वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज ऑल्सो मेड इट अ वीडियो गेम वॉर विद व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड वॉचिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इराकी फोर्सेस लिव ऑन द टीवी इन कम्फर्ट टू देयर लिविंग रूम्स। इस युद्ध में इराक ने अपने स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था, तो व्यूअर्स जो इस युद्ध को देख रहे थे, ऑब्जर्वर्स जो इस युद्ध पर निगरानी रखे हुए थे, उन्होंने इसे कंप्यूटर वॉर की संज्ञा दी। वहीं इस पूरी वॉर की कवरेज टेलीविजन पर दिखाई गई, व्यूअर्स पूरी दुनिया के लोगों ने इस वॉर को अपने कमरे में बैठ के अपने टीवी सेट पर देखा, तो इस वॉर को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सभी इसी युद्ध के ही नाम हैं। Incredibly, the US may actually have made a profit from the war. According to many reports, the US received more money from countries like Germany, Japan and Saudi Arabia than it had spent on the war. बहुत लोगों का कहना है कि अमेरिका को इस युद्ध में प्रॉफिट ही हुआ है। अमेरिका ने जितना पैसा इस युद्ध में खर्च किया था उससे कहीं ज्यादा पैसा उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया से इस युद्ध को लड़ने के लिए फंड के तौर पर मिला था। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट गल्फ वार पढ़ा और आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये हाईवे ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। इस इराकी फौज जो लड़ाई से वापस आ रही थी, वापस आती हुई फौज पर भी अमेरिकन मिसाइल्स दागी गई और उन अमेरिकन मिसाइल्स की दागने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं और इस हाईवे का नाम ही हाईवे ऑफ डेथ रखा गया। दिस पिक्चर्स ऑफ बर्न एंड ब्रोकन व्हीकल्स वाज टेकन ऑन द हाईवे ऑफ डेथ अ रोड बिटवीन कुवैत एंड बसरा ऑन विच द रिट्रीटिंग इराकी आर्मी वाज अटैक्ड बाय अमेरिकन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर इन फरवरी 1991। ये वो सड़क है जहाँ पर वापस आते हुए इराकी फौज पर अमेरिकन अटैक हुआ, अमेरिकन एयरक्राफ्ट से अटैक किया गया। सम कमेंटर्स हैव सजेस्टेड दैट द यूएस फोर्सेस डेलिबरेटली बॉम्ब्ड दिस स्ट्रेच ऑफ हाईवे वेयर फ्लेइंग एंड आउट ऑफ कम्बैट इराकी सोल्जर्स वेयर स्ट्रक इन द फ्रेजाइल ट्रैफिक जाम्स एंड दैट द विक्टिम्स इंक्लूडेड कुवैती prisoners and hostages of Palestinians and civilian refugees. Many observers has called it a war crime and a violation of the Geneva Convention. वापस आते हुए इराकी फौज जब इस यहाँ की इस सड़क पे, ये सड़क कुवैत से बसरा की तरफ जा रही थी और इस सड़क पे काफी सारा ट्रैफिक जाम था, यहाँ पर आम सिविलियन लोग भी थे और इस युद्ध में पकड़े गए युद्धबंदी कुवैती युद्धबंदी भी थे, साथ ही साथ वापस आते हुए इराकी सोल्जर्स भी थे। इन सभी पर बम्बिंग की गई और सबकी मौत हो गई, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, तो लोगों ने इसे जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन भी माना और एक वार क्राइम भी माना। तो आप यहाँ पर अमेरिका की देख सकते हैं किस तरह से अपनी हेजेमोनी दिखा रहा है अमेरिका। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लिंटन्स ईयर, क्लिंटन के शासनकाल में, क्लिंटन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनका 8 साल का कार्यकाल रहा, तो क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान अमेरिका की नीतियाँ कैसी रही, फॉरेन पॉलिसी कैसी रही और इन क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने किन किन शहरों पर या कहाँ पर इन्वेजन किया या कहाँ पर उनका अटैक हुआ, इसको हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच।